अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाही, बीफ बिहारी कढ़ाही। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg, मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है, 1 प्याली दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/2 किलो टमाटर। सबसे पहले हम डालेंगे घी, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये गोश्त। पाँच मिनट हो गए हैं इसको भूनने हो, आप डालेंगे इसमें टमाटर। भुनाई हो गई है, टमाटर मैंने डाले थे तो अच्छे से वो गल चुके हैं। लिया दही, इसमें डालेंगे हम मसाले, 1/2 स्पून डालेंगे नमक, 1/2 स्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, काली मिर्च डालेंगे 2-3 चुटकी, पिसा हुआ खुशक धनिया डालेंगे, चिली फ्लेक्स 1/2 स्पून, फलोल जवैत्री पिसी हुई। खुशक हो गया, अब इसमें डालेंगे हम दही, इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं, इसमें प्याज नहीं जाएगा, ये बिहारी कढ़ाही है तो इसमें प्याज नहीं जाएगा। अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है, इसमें डालेंगे आप 1 गिलास पानी, वेट लगाएंगे 15 से 20 मिनट लगाएंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल चुका है, अब हम इसको कढ़ाही में शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें डालेंगे अब ये जीरा पाउडर 1/2 स्पून, खुशक धनिया पाउडर, बस अब कोई और मसाला नहीं डालेंगे। हमारी बीफ कढ़ाही हमारी डन हो चुकी है, अब थोड़ा सा मैं खुशक धनिया हाथ पे ऐसे लेके, ये मैंने हाथ के साथ सूखा धनिया मसला, तो अब हम इसको करेंगे किसी डिश में निकालेंगे या डोंगे में। क्यों हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्निश करेंगे, ये स्लाइस मैंने काटे हैं अदरक के, मज़ेदार सी बिहारी बीफ कढ़ाही हमारी तैयार है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।